हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले टाटा स्टील जेट 2022 का जो अभी रिक्रूटमेंट निकला हुआ डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ झारखंड के डोमिसाइल ही एलिजिबल है, उसके फॉर्म फिलअप के बारे में। तो अगर आपने अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो नोटिफिकेशन जरूर देख लीजिएगा। देख सकते हैं ये आपका नॉन एम्प्लॉय वार्ड, मतलब कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। टाटा स्टील में पहले काम कर रहा हो उनका रिलेशन में या नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास डिप्लोमा या फिर बीटेक होना चाहिए, झारखंड के आप रहने वाले होना चाहिए, वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए, यही इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ब्रांचेस ये सब आप चेक कर लीजिएगा। और अगर एम्प्लॉय वार्ड है तो एम्प्लॉय वार्ड के लिए भी यहाँ पर अलग से है, तो एम्प्लॉय वार्ड में अलग कट ऑफ जाता है। नॉन एम्प्लॉय वार्ड जो कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए रहता है, उनका अलग कट ऑफ जाता है। अब यहाँ पर बात कर ले हम लोग यहाँ पर फॉर्म फिलअप के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है एप्लीकेशन सेक्शन पे आना है। एप्लीकेशन सेक्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके जाना है जेट 2022 रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है, कैंडिडेट्स नेम, मोबाइल नंबर, देन अगेन वही मोबाइल नंबर, देन ईमेल आईडी, देन अगेन वही ईमेल आईडी, और यहाँ पे कैंडिडेट टाइप। अब कैंडिडेट टाइप में आप क्या कीजिएगा, तो जो नॉर्मल कैंडिडेट होंगे, क्योंकि वहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे नॉन एम्प्लॉय वार्ड, और जो यहाँ पर टाटा स्टील के एम्प्लॉय वार्ड होंगे वो सेलेक्ट करेंगे रजिस्टर्ड रिलेशनशिप। तो मैं यहाँ पे नॉन एम्प्लॉय वार्ड लेके आगे बढ़ रहा हूँ। देन यहाँ पे कैप्चा कोड आपको फिल करना है जो यहाँ पे शो कर रहा है। देन यहाँ पे सब आई एग्री, देन आई एग्री के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। सो यहाँ पे जैसे आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। सो उसके बाद आपको इस तरह से आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और आपको पासवर्ड भी सेंड कर दिया जाएगा। तो दोनों को नोट डाउन आपको कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है गो टू एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन पे, इस पर आपको क्लिक करना है। देन अब इस वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे ऊपर में नोटिफिकेशन में दिया जा रहा है कि फ़ोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट, डिप्लोमा ऑफ बीटेक या फिर आपका कैटेगरी है तो, या और डोमिसाइल। तो डोमिसाइल तो मैंडेटरी है तो ये सब लगे, कैटेगरी वाला एक ऑप्शनल रहेगा, जिसका कैटेगरी होगा वो सेलेक्ट कीजिएगा। बाद बाकी को ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी या फिर फ़ोटो आपका रहना चाहिए, जो कि आपको अपलोड करने आगे अभी बोला जाएगा। तो ये सब के लिए आपको रेडी रखने बोला जा रहा है। अब नीचे में यहाँ पे आपके पर्सनल डिटेल्स दिए रहेंगे, एड्रेस वगैरह जो भी, तो वो सब को आपको फिल करना है। देन आपको उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे आना है क्वालिफिकेशन वाले, देन लास्ट सेक्शन में एलिजिबिलिटी डिटेल्स। इसी के नीचे आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस वगैरह ये सब फिल करना है। देन उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कैंडिडेट फ़ोटो आईडी बोला जा रहा है। फ़ोटो आईडी में यहाँ पे ध्यान देंगे, आपका वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है और कॉलेज का आईडी है, यही सब है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आप पैन कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी तो भी आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पैन कार्ड सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा अगर आपके पास है तो। नेक्स्ट यहाँ से आइडेंटिफिकेशन नंबर में यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड नंबर होगा वो डालना होगा। देन यहाँ फादर्स नेम, देन मैंने जैसे बताया एड्रेस, देन यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको आपने बीटेक किया, डिप्लोमा किया है, कितना परसेंटेज वगैरह वो सब डालने को बोला जाएगा। देन आपको यहाँ पर फोटो सब अपलोड करना बोला जाएगा, स्कैन कॉपी। देन यहाँ पर आपको लास्ट में सबमिट का आएगा, और उसके बाद अगर आपका फ़ी का रहेगा तो फ़ी आपको पेमेंट आएगा 500 रुपीज़, और फ़ी का नहीं रहेगा तो फ़ी पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। फ़ी में कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन ही फ़ी पेमेंट कर सकते हैं एटीएम कार्ड के थ्रू। अब बात करेंगे यहाँ पे एग्ज़ाम डेट का, तो एग्ज़ाम डेट यहाँ मेंशन कर दिया गया है 15 अप्रैल 2022 को एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो एग्ज़ाम आपका जल्दी हो जाएगा, तो प्रिपरेशन के लिए आपके पास काफ़ी कम टाइम है, तो तुरंत ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।